हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे लाइक ये दे रखा है आपको, तो क्या मैंने आपसे डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि एक्स का मोड अगर लेस देन इक्वल्स टू एल रहता है तो हम इसके लिए क्या कंडीशन बना देते हैं। इसके लिए हम कंडीशन बना देते हैं माइनस एल से पॉजिटिव एल के बीच में लाए करेगा। तो यहां भी यही चीज करो, आप माइनस का 5 लगा दो, एक्स प्लस 3। अब एक बार ये दोनों ले लो, माइनस 5 और एक बार एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 5। इधर लेके आओ, माइनस 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 हो गया एक्स का वैल्यू। एक तो ये बन गया पेयर, है ना, और एक ही उधर जाएगा, 5 - 3 गया, 2 बन गया। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, यहां तो ये कह रहा है x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू -8 से ग्रेटर है। सॉल्यूशन सेट देखना आप एक बार, है ना, -8 से ग्रेटर है, और यहां कह रहा है x का वैल्यू 2 से लेस है। सॉल्यूशन सेट कुछ ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, ब्रीड हुआ। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, पॉज कर कॉपी कर लेना आप इसको, ना सही है ना, ये -3 8 किया 3, तो ठीक है, x का वैल्यू -8 से ग्रेटर से लेस, सही है। सेकंड पार्ट देखो, सेम है, 3 - 5x बिकॉज ऑफ x का मोड लेस देन l दे रखा है, तो ये कंडीशन कब होगी, सेम माइनस l से पॉजिटिव l तक, है ना, लगा दो 3 - 5x, सेपरेट करो, -7 यहाँ क्या होने वाला है, 3 - 5x था ना, okay, तो 3 को इधर लेके आते हैं अपन, तो -7 - 3 लेस देन -5x, -10 साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव 10 और ये साइन ग्रेटर का बन जाएगा, और ये 5x, 5 2 जा, एक्स का वैल्यू जो है वो 2 से लेस है। इधर देखो, सेवन माइनस थ्री, 3 गया 2, ओके, 3 - 5x था ना, 7 उधर गया, 3 इधर आ गया, ओके, ये यहाँ 7 है और ये 3 उठ के इधर आया, नेगेटिव थी, 7 - 3 गया तो कितना हुआ, 4 हुआ। पॉजिटिव में चेंज करूंगा मैं इसको, 3 ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पॉजिटिव का 5 हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव का 4 हो जाना है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ तो कह रहा था x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, और यहाँ कह रहा है आपको x का वैल्यू जो है -4/5 से ग्रेटर है। ध्यान देना इस चीज के ऊपर थोड़ा सा, यहाँ कह रहा है आपसे x का वैल्यू जो है -4/5 से ग्रेटर है, कितना होगा इसको 5 से अगर मैं कट कर दूं तो 0.058, 0.8 समथिंग होगा, माइनस का 0.8 समथिंग है। देखो इसको मैं कट करता हूँ तो 0.0 लगाऊं, 58 था, माइनस का 0.8 है। अब x का वैल्यू जो है -0.8 से ग्रेटर है, -0.8 से ग्रेटर है, तो 0.8 से इधर आएगा पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ कह रहा है x का वैल्यू 2 से लेस है, 2 से लेस है मतलब कि यहाँ आएगा, यानी दोनों को मिला के मैं क्या कह सकता हूँ, सॉल्यूशन सेट -4/5, चाहो तो -0.8 लिख सकते हो, और ये 2 के मिड में है, ये आंसर हो गया, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आ जाओ थर्ड केस पर, थर्ड केस क्या कह रहा है, x प्लस 1 मॉडुलस ग्रेटर देन। अब ध्यान देना थोड़ा सा, जब भी आपके पास मोड के ऊपर ग्रेटर देन का साइन होता है, मोड पे ग्रेटर देन साइन होता है, तो उस कंडीशन में दो कंडीशन निकलती है, ईदर ईदर या तो पॉजिटिव का एक्स रहेगा एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल रहेगा, और एक्स का कंडीशन हो जाएगा बट लेस देन इक्वल्स टू एल हो जाएगा माइनस एल। ध्यान देना क्या कहा मैंने यहाँ पर, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव एल हो जाएगा, ये दो कंडीशन हो जाएगा। अब आप ये अप्लाई करो इसमें, लाइक पॉजिटिव अगर हम लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और एक्स का मतलब हो गया आपके पास x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू और ये -3, ठीक है, सॉल्व करो कितना हो गया 2, ये सॉल्व करो -3 और -1 कितना हो गया -4। अब इन दोनों कंडीशंस को देखो, यहां तो कह रहा है x का वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है, यहां तो कह रहा है x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर का मतलब क्या हो गया आपके पास वैल्यू, 2 से ग्रेटर का मतलब हो गया मेरे पास वैल्यू यहां पर 2 और यहां पर पॉजिटिव इंफिनिटी, है ना, और यहाँ x का वैल्यू कह रहा है -4 से लेस, -4 से लेस,
माइनस फोर से लेस मतलब माइनस इन्फिनिटी एंड माइनस फोर क्लोज हो गया। अब इन दोनों को एक साथ लिखना है अगर मुझे, कैसे लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस फोर यूनियन टू से पॉजिटिव इन्फिनिटी, बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ पे। अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ केस पे, फोर्थ केस देखो क्या कह रहा है, सेम कंडीशन का है, टू माइनस थ्री एक्स मोड है और इसके ऊपर ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव एम। क्या बताया अभी, बताया मैंने आपको मोड के ऊपर जब भी ये कंडीशन हो जाए तो इफ ईदर, ये वाली कंडीशन कब होगी, इफ ईदर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल या फिर इसका साइन चेंज और यहां पर नेगेटिव, यहां पर यही चीज करो आप, टू माइनस थ्री एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस का फाइव और टू माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाइव, कितना हो जाएगा, थ्री एक्स को वहां भेजते हैं फाइव को इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का फाइव प्लस टू सेवन और ये थ्री एक्स सेवन बाय थ्री, इधर देखो थ्री उधर जाएगा ये इधर आएगा, टू माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। अब आप यहां देखो, यहां ये कह रहा है एक्स का वैल्यू जो है वो सेवन बाय थ्री से ग्रेटर है, एक्स का वैल्यू जो है सेवन बाय थ्री से ग्रेटर है, तो सेवन बाय थ्री एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहां कह रहा है एक्स का वैल्यू जो है वो माइनस वन से लेस है, ठीक है ओके। अब इन दोनों को एक साथ लिखना हो सॉल्यूशन सेट तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन सेवन बाय थ्री से इन्फिनिटी, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज 2.4। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे आप मुझे कॉमेंट्स करना या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, बाकी कोई इशू लगे तो सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।